बहुत डीजीसी क्रिमिनल होने के नाते बहुत विस्तार में न जा करके मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज तीन अभियुक्तगण अतीक अहमद, दिनेश पासी व खान सौलत और फानीब को अंतर्गत धारा 364A/120B में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है और 1,00,000 रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी दंडित किया गया है जो इसमें वादी के परिजनों को दिया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 357(1) CRPC के तहत क्षतिपूर्ति के लिए आदेश किया गया है। अशरफ की बात क्यों कर रहे हैं, इसमें तीन अभियुक्त के अलावा 7 अभियुक्त गणों को सभी धाराओं में दोष मुक्त कर दिया गया है। मेरे बेटे को 18 साल हो गया, पहले 2 साल बाद सवाल कर लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में कार्यालय में, उसी वक्त ही मरवा डालता। लेकिन उस समय उसके साथ कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया, शेर की तरह आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, क्या जितना भी इसके नाम से केस हो। लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, उसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। लेकिन ये उसका अपहरण केस का है, उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मैं मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे, तो बतलाइए जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पर कीचड़ मारा है, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोष भाई लोमत यार नीचे से, आप उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगी, क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आ करके इस चीज का जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, हाई कोर्ट जी बिल्कुल। मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपने परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए, ये नहीं रहना चाहिए। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे, वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी को तोड़ देंगे?
देगा, कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट ये ही सब है, न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।